हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज बना रही हूँ मैं मोमोस और मोमोस की चटनी। हम मोमोस खाएंगे। फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली मोमोस और मोमोस की चटनी बहुत ही इजी तरीके से। तो बहुत सारे लेने वाली हूँ टमाटर, क्योंकि टमाटर अब हो गए सस्ते, 20 रुपए किलो। और ये वाले टमाटर की चटनी होती है ना, वो हर चीज़ के साथ खाने में टेस्टी लगती है। परांठे हो, रोटी हो, चावल हो, हर चीज़ के साथ। तो चलिए बना लेती हूँ बहुत सारी चटनी। तो टमाटर लगभग मैंने आधा किलो से ज़्यादा ले लिए हैं, क्योंकि ये 2 किलो टमाटर लाए थे। बोल रहे थे कि चटनी एक्स्ट्रा बना लेना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद हम लेंगे लाल मिर्च सूखी हुई, जिसके जो डंठल होते हैं वो हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं ऐसी चीज़ें लाती रहूँगी जो कि आप लोगों को बहुत इजी तरीके से, जो मार्केट में चीज़ें बनती हैं वो बहुत इजी तरीके से आप अपने घर पर बना सकते हो। तो पानी रख दिया है मैंने कढ़ाई में, और उसमें डालेंगे हम टमाटर, और उसमें डालेंगे हम मिर्ची, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। ठीक है, तो क्या कह रही थी मैं, तो आज मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं, यहाँ पे हम रहते हैं गुजरात में, मोमोस यहाँ पे कम मिलते हैं और हमारे यहाँ के टेस्ट नहीं मिलते हैं। तो मेरे हस्बैंड के दोस्तों ने किया था हमसे फरमाइश कि हमें मोमोस खिलाना है, खिलाओ हमको मोमोस खिलाओ। और मैंने कहा चलो ठीक है, बनाती हूँ आज आप लोगों के लिए, लंच बॉक्स में भेज दूँगी, आप लोग वहीं पर खा लेना। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद टमाटर उबल गए हैं, 10 मिनट के बाद हमने टमाटर का छिलका निकाल लिया था, और गोभी को हमने घिस लिया है, और उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है सारा पानी हमको इसको निचोड़ लेना है, एकदम से निचोड़ लेना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अगर पानी के साथ बनाओगे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं सारी गोभी का पानी निकाल लेती हूँ, ऐसे आप लोगों को निकालना है। थोड़ा सा तेल डालना है, सिर्फ छोटी 1 चम्मच या 2 चम्मच समझ लो, बस उससे ज़्यादा नहीं डालना। उसके बाद हम डालेंगे जो हमने गोभी को पानी निकाल लिया था ना, गोभी, उसको डालेंगे। तो देख लीजिए ना कितनी ड्राई हो गई है, इसी तरीके से आपको भी ड्राई कर लेनी। हमको ज़्यादा नहीं इसको चलाना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनना, आप घड़ी लगा के 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनना। ठीक है, तो उसके बाद हमने टमाटर और मिर्ची का बना लिया है पेस्ट, और पेस्ट के बाद हमने लिया है कटोरी में पानी, और हमने इसमें क्या लिया पता आप लोगों को, कॉर्नफ्लोर, हमारे भाषा में उसको बोलते हैं अरारोट। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो गोभी थी, गोभी में हल्का सा नमक ऐड कर दिया था और थोड़ा अजीनोमोटो ऐड कर दिया था, वो वाली क्लिप हट गई है हमसे, कोई बात नहीं, तो आप लोग भी कर लीजिए। तो उसके बाद चटनी के लिए हमने चटनी जो पीस ली थी उसमें थोड़ा सा तेल डाला, तेल के बाद हमने उसमें डाला है चटनी पिसी हुई, जो कि लाल हमने पीसी थी ना टमाटर वाली वो, और उसमें अभी नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा डालेंगे अजीनोमोटो। और अजीनोमोटो डालने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे पता, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे जो हमारा ये कॉर्नफ्लोर का घोल था वो। कॉर्नफ्लोर के घोल से क्या होता है कि चटनी में थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसको पका लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, तभी तब तक ये थोड़ी थिक हो जाएगी, चटनी हमारी बनके रेडी होगी। ऐसी चटनी बनेगी कि मार्केट की भी फेल हो जाएगी, आपके घर वाले रोज़ चटनी मांगेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो एक लाइक तो बनता है ना, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देख लीजिए मैं बना रही हूँ नए तरीके से मोमोस, ये देख लीजिए, मुझे इस तरीके से बनाने नहीं आते लेकिन मैं सीख रही हूँ। मैदा लगा लिया था हमने नमक डालकर, और ये वही है जो हमने अभी फ्राई किया था बंद गोभी का फिलिंग। तो चलिए इसको भरते चलते हैं। पूड़ियाँ छोटी छोटी हमने बेल ली हैं, और उसको इस तरीके से पकड़ते दोनों साइड से इस तरीके से करते जाना है, करते जाना है। अगर आप लोग को इस तरीके से बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप गोल भी बना सकते हो। ये तो मैंने ऐसे ही बनाए थे सीखने के लिए। तो मेरे घर स्टीमर नहीं है, इसलिए मैंने बड़े भगोने में रख दिया था पानी, और पानी के ऊपर रख दी थी हमने चावल पकाने वाली छलनी। छलनी में थोड़ा सा लगाया है तेल, और उसको अच्छे से गर्म हो जाने दिए। देख लीजिए आप, स्टीम बहुत अच्छे से निकल रही है इसमें। उसके बाद हम इस तरीके से मोमोस इसमें रख देंगे। तेल लगाना बिल्कुल भी ना भूलना, अगर तेल लगाना भूल जाओगे ना तो इसमें चिपक जाएंगे, मोमोस निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए मोमोस को फटाफट से इसमें लगा देते हैं, और इसको ढक के रख देते हैं, और कम से कम 5 मिनट के लिए इसको रहने देंगे। तब तक हम और भी मोमोस हैं उनको भी रेडी कर लेते हैं, फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मोमोस किस तरीके से बनकर रेडी होते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये देख लीजिए मोमोस हमारे अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके हैं। तो चलिए लेके चलते हैं इनको। वैसे तो जो फ्राइड मोमोस बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज मैंने सोचा कि स्टीमर वाले, मतलब स्टीम वाले ही बनाने हैं। लेकिन ये देख लीजिए, चलो पहले अपने हस्बैंड को टेस्ट कराते हैं और फिर उनके दोस्तों के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं उनके पास, क्या बोलते हैं, उनको पसंद आते हैं कि नहीं आते। वैसे तो मेरे हस्बैंड को
मेरे हाथ की हर चीज़ पसंद आती है और मुझे कोई नई चीज़ सीखनी होती है ना तो मैं जाके फ़ोन पे सर्च करती हूँ और फिर बना लेती हूँ। आप लोग को भी अगर नई नई चीज़ें सीखनी है, हमारे घर में सामान जो मौजूद होता है उसी से नई नई चीज़ें सीखनी है, तो मेरे चैनल को देखना बिल्कुल भी ना भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो कर लीजिए ना प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब, ठीक है। बेल आइकन को तो ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलना, अगर उसे ऑन करोगे ना तो ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपको मेरे वीडियो का। तो चलिए फटाफट से दूसरे वाले मोमोज में रख देते हैं और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। और ये देख लीजिए, और ये लेके चलते हैं मेरे हस्बैंड के पास। तो चलिए आप लोग भी, मैं उनसे पूछूंगी, लेके चलती हूँ मैं मेरे हस्बैंड के पास। और वो लेटे हुए आराम कर रहे हैं क्योंकि आज है थोड़ी छुट्टी है दोपहर के बाद, पर मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों के लिए लेके जाएंगे टिफ़िन में, है ना। तो चलिए, मुझे भी इतना ज़्यादा मतलब मन कर रहा था टेस्ट करने का, तो मैंने कहा चलो मैं टेस्ट करती हूँ, आप लोग बैठे रहो, आपका खड़े ही नहीं हो रहे थे। मैंने बोला टेस्ट कर लो टेस्ट कर लो, तो वो बोला है पहले तू कर फिर मैं करूँगा। मैंने कहा ठीक है। और ये है मेरे देवल का लड़का, देखो देखो क्या कर रहा है, अपने लिए अलग रख रहा बचा के। ये देख लीजिए, अभी मैंने यहाँ पर खिसका दी तो यहाँ पर भी पहुँच जाएगा। ये छोटा वाला लड़का है, उसको मैं खिला देती हूँ थोड़ा सा, तो चटनी नहीं खिलाएंगे नहीं तो उसका मुँह जल जाएगा। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, शेयर करना फैमिली दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा आपके काम का होता है। मैं हमेशा लंच बॉक्स, मेरे हस्बैंड के लिए जो लंच बॉक्स पैक करती हूँ या फिर बनाती हूँ, उसका वीडियो शेयर करती हूँ अपने चैनल पर। तो ये देख लीजिए, ये मेरे हस्बैंड मोमोज खा रहे हैं और मेरे देवर छुप गए हैं क्योंकि उनको आ गई शर्म, इसलिए कोई बात नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे स्टीम के ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा फ्राई कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है कर देती हूँ फ्राई। तो मैंने एक घना जो था वो फ्राई कर दिया था। तो आप लोग बताना आप में से किस किस को मोमोज पसंद है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको मोमोज ना पसंद हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में हर किसी को मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को भी है ना। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर देखना। मैं बहुत सारी जो कठिन रेसिपी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये हम घर पर नहीं बना सकते, वो चीज़ भी मैं घर पर बनाने की कोशिश करती हूँ। एक बार बिगड़ जाती, दो बार बिगड़ जाती, तीसरी बार तो अपने आप ही आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार में ही आ जाती हैं। तो हम जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे अपने घर पे, तब तक हम सीखेंगे कैसे, है ना। कोई भी चीज़ होती है तो सीखने के लिए थोड़ी बहुत तो चीज़ बिगड़ती भी है, ऐसी बात नहीं है कि शुरुआत में सारी चीज़ें आ जाए, है ना। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, मोमोज अच्छे लगे हो, चटनी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए लंच बॉक्स का जो रेसिपी है वो रोज़ लेके आती हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रेसिपी के साथ या फिर अच्छे से लंच बॉक्स के साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।